हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो बस सबको टेंशन ही है क्या होने वाला है और क्या होगा। ये देखिए चोट भी लग गई है मुझे। और अभी तो ये वीडियो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वही है, सुबह से कुछ ना कुछ दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा है जैसा चल रहा है। तो अभी मैं लेके आई हूँ दूध। ये देखिए, ये मैं 3.5 किलो दूध लेकर आई हूँ क्योंकि दूध ख़त्म हो जा रहा है, दूध भी नहीं मिल रहा है, मारा मारी है शॉप पे। पता नहीं लोग 4 दिन का दूध भर ले रहे हैं क्या कर रहे हैं कि औरों को दूध मिल ही नहीं पा रहा है। तो मैंने अभी मेरे बगल में ही शॉप है तो उसको मैंने फ़ोन किया, उसका नंबर लेकर आई थी कि जैसे ही दूध आए मुझे कॉल कर देना, क्योंकि टिनटिन छोटी है तो उसको दूध चाहिए। करीब 2 महीने हो गए तो मैंने उसका डिब्बे वाला दूध छुड़ा दिया था और अमूल ही दे रही थी, लेकिन मुझे ऑर्डर करना पड़ा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसके लिए तो छोटे बच्चे के लिए तो दूध घर में रखना ही पड़ेगा। लेकिन जो ऑर्डर किया कल सामान, वो भी 31st को दिखा रहा है कि वो 31st को सामान आएगा। तो 31st तो अभी मतलब हर जगह स्टॉक ख़त्म है। तो कुछ बेसिक सामान तो मैं लेकर आई हूँ, देखिए यहाँ पे रखा है जिसको मैंने अभी छोड़ दिया है कि इसे कल ही छूंगी, कहीं डिटॉल नहीं मिल रहा। तो सारा सामान ऑर्डर तो कर दिया है, इस टाइम बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं तो आप लोगों से भी कहूँगी कम से कम 1 महीने का सामान तो अपने घर में भर लीजिए, क्योंकि बच्चे होते हैं तो दिक्कत होती है। तो मैं ये ब्लॉग अब इवनिंग से ही स्टार्ट, पर दिमाग काम नहीं कर रहा कि ब्लॉग बनाए। तो बस स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो गाइज, आप लोग भी सेफ रहिए, जितना घर में रहेंगे उतना ही अच्छा है। और बहुत ही, अगर बहुत इमरजेंसी हो तभी घर से निकलें, और आप सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा बहुत मैं पूजा का सामान लेकर आई, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि परसों से नवरात्रे हैं, तो पता नहीं कल सामान मिलेगा या नहीं। तो इस बार तो मंदिर के पट भी वही फीके फीके नवरात्रे होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि घर में बहुत मन से आप लोग पूजा पाठ करिए कि जो मुसीबत आई है वो जल्दी से टले। तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अखंड जोत जलाने के लिए 2 तिल के तेल की शीशी लेकर आई हूँ, और एक ये गूगल लोबान की जो सम्रानी आती है वो लेकर आई हूँ। ये तो वैसे भी घर में जलानी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी होती है, एक बार मैं आप लोगों को ये दिखा चुकी हूँ। और एक माता की चुन्नी, और नारियल। तो मैं तो आज ही सामान जो पूजा का बेसिक सामान था वो लेकर आई हूँ, माता का सिंगार और एक लाल कपड़ा बिछाने के लिए, और अखंड जोत लेकर आई जो मुझे अखंड जोत जलानी है, और वही कपूर वगैरह सारा। तो इस बार तो मंदिर तो मुश्किल ही है, कोई किसी को जाने को नहीं मिलेगा। तो गाइज, आप घर पे बहुत मन से पूजा करिए और भगवान जरूर सुनेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो। तो मैं अब जा रही हूँ डिनर बनाने, और आज मेरा मंडे का फास्ट है। तो अब मुझे सुबह से चाय पीकर हूँ, तो मैंने सोचा चलो सूखे आलू और पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों के साथ अपने सूखे आलू और पूड़ियाँ जो बनाऊँगी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और चलिए फिर स्टार्ट करते है खाना बनाना, हालत बहुत पंचर है। तो मैंने ये आलू बॉईल करके फ्रिज में डाल दिए थे, अब इसकी मुझे बनानी है सूखी सब्जी। ग्रेवी वाली नहीं बनेगी क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती है। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे और अच्छे से बनते हैं। तो चलिए पहले आलू को छील लेते हैं और सब्जी फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने आलू बॉईल किए थे उसको छील के छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ। बॉईल करके मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। उससे क्या होता है कि आलू जब भी फ्रिज में से निकाल के आप उसको काट के फिर उसे छौंकोगे तो वो थोड़े से करारे होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ, आलू सूखे आलू बनाने जा रही हूँ जो बिना लहसुन प्याज के बनेंगे, क्योंकि व्रत में सूखे आलू ही हम लोग खाते हैं और सूखे आलू खाने में भी पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाला जाता है, तो मैंने वही 2-3 चम्मच ही ऑयल डाला है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पड़ेगा हींग और थोड़ा सा पड़ेगा जीरा, सिर्फ हींग और जीरे का ही छौंक लगता है।
आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें हरी मिर्च नहीं डालूंगी, तो बस हींग और जीरे का और जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो डालूंगी। तो ये देखिए हींग और जीरे का छौंक लग गया है और मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने कटे आलू थे, जो छोटे छोटे पीस में काटे थे, उन सारे आलू को मैंने इसमें डाल दिया है। तो इन्हें पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च पिसा हुआ, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, आवश्यकता अनुसार नमक। इसमें यही तीन चीज़ पड़ती हैं और कुछ नहीं पड़ता है, और ऊपर से आप चाहे तो इसमें धनिया कटा हुआ डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। वैसे ये सब्ज़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है, लेकिन आज मैंने इसमें हल्की सी ही मिर्च डाली है, और ये डाला थोड़ा सा मैंने धनिया। और इसके बाद डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा नमक, और कम से कम इसे 10 मिनट तक मैं अच्छे से क्रंची करूंगी, थोड़ा फ्राई करूंगी, फिर ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैं दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा रही हूँ, तो ये जो 2 लीटर का पैकेट है वही पहले बॉयल करूंगी, बाकी मैंने अभी रख दिया है। और दूध बड़ी मुश्किल से मिल रहा है जैसा मैंने आपको बताया था, तो मैं इकट्ठा ही ले आती हूँ कि पता नहीं अगले दिन क्या हो। तो यहाँ पे मैं दूध बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी पानी। कहते हैं कि दूध में थोड़ा सा पानी ज़रूर मिलाना चाहिए, ये पहले के लोग हमारे मम्मी पापा वगैरह कहते थे, दादा दादी, तो वो चीज़ हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैं दूध बॉयल कर लूँ पहले। अब लगा रही हूँ मैं पूड़ी वाला आटा, तो आटा गूंथ के रख लूँ क्योंकि भूख भी लग रही है, काफ़ी टाइम भी हो गया है, और व्रत वाले दिन तो जैसे ही शाम होती है भूख लगती है, क्योंकि दिन भर आप वैसे भी कुछ खास नहीं खाते हो। तो यहाँ पे मैं वही पूड़ी का आटा रेडी करके लगा रही हूँ, और लगभग मेरा पूड़ी का आटा रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे पूड़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, और उसमें डाल रही हूँ रिफाइंड, और रिफाइंड जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गर्मा गर्म मुझे पूड़ियाँ निकालनी है। तो ये देखिए मेरी पूड़ियाँ तली जा रही हैं, और सबसे पहले खाना बनने के बाद मैं ठाकुर जी की थाली निकालूंगी, क्योंकि पहला भोग तो ठाकुर जी का ही लगता है, और व्रत वाले दिन तो ज़रूर उनकी थाली मैं निकालती हूँ। और ऐसे तो कभी कभी क्या होता है, लहसुन प्याज वाला खाना बनता है, तो डेली मैं खाने का भोग नहीं लगा पाती, मिश्री या फिर और जो चीज़ें होती हैं फ्रूट वगैरह उसका भोग लगा देती हूँ। तो ये देखिए पूड़ियाँ भी मेरी तैयार हो गई हैं, खाना लगभग पूरा तैयार हो गया है। यहाँ मेरी ठाकुर जी की थाली रेडी हो चुकी है, और पहले ठाकुर जी को भोग मैं लगाऊंगी, फिर बाकी लोगों को खाना दूंगी। और ये देखिए मेरे कान्हा जी की थाली, उनके सामने मैंने रख दी है, तो उनको भोग लग चुका है चुकी है, और पहले ठाकुर जी को भोग मैं लगाऊंगी, फिर बाकी लोगों को खाना दूंगी। और ये देखिए मेरे कान्हा जी की थाली, उनके सामने मैंने रख दी है, तो उनको भोग लग चुका है।